जगदम्ब, कैसे हो मेरी वैडी फैमिली। तो यार देखो, आज के इस वीडियो में मैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का ड्राइंग करूंगा और इसके लिए मैं A3 साइज़ की पेपर शीट का यूज़ करूंगा, जैसा कि यार तुम लोग देख सकते हो। और हाँ, ये पेंसिल स्केच है तो मैं रफ पेपर का यूज़ करूंगा, जो काफ़ी बेटर होता है स्केचिंग के लिए। और अभी मैं इस पेंच वाले साइड को ये निकाल दूंगा, जो कि यार मैंने फाड़ के निकाला है, तो इसको मैं कट कर दिया हूँ। अभी मैं ग्रिड्स को क्रिएट करूंगा। और हाँ, ग्रिड्स ड्रॉ करने के लिए मैं 10 कॉलम और 13 रो लूँगा, जिसमें एक स्क्वायर की साइज़ होगी 3 सेंटीमीटर। तो यार देखो, एक लाइन से दूसरे लाइन की जो गैप छोड़ोगे वो 3 सेंटीमीटर ही छोड़ना। और हाँ, अगर तुम लोग A4 साइज़ पे ड्रॉ करना चाहते हो, A3 साइज़ का पेपर नहीं है, तो A4 साइज़ के लिए तुम एक स्क्वायर की साइज़ 2 सेंटीमीटर ही लेना, मतलब जो तुम 3 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो उसको केवल 2 सेंटीमीटर ही रखना। तो इससे कम्प्लीट पूरे फुल पेज पर परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ हो पाएगा। और हाँ, मैंने ग्रिड्स को मार्क कर दिया है ताकि तुम लोग इजीली समझ पाओ मैं कौन से स्क्वायर से ड्राइंग को शुरू कर रहा हूँ। तो यार जो मैं स्क्वायर से शुरू कर रहा हूँ वो 5th कॉलम है और 4th रो है। तो यार जैसा कि तुम लोग देख सकते हो और काफ़ी इजीली तुम लोग ड्रॉ कर पाओगे इसको देखकर। और हाँ, रेफरेंस फ़ोटो में मैं तीनों टाइप्स का रेफरेंस फ़ोटो तुम लोग को दे दूंगा, जो कि यार जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आउटलाइन वाला और ग्रिड्स का रेफरेंस फ़ोटो और बिना ग्रिड्स के रेफरेंस फ़ोटो, दो तीनों मैं दे दूंगा तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, इस आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं HB पेंसिल मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, तो तुम लोग कोई भी नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बस तुम्हारा जो आउटलाइन का वो अरे यार हाँ जो आउटलाइन इस ड्रॉ करने का स्किल होना चाहिए वो तुम लोग का इम्प्रूव होना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि तुम लोग को पेंसिल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा पेंसिल नहीं है, ख़राब पेंसिल है तो अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएगा, ये सब बिल्कुल भी तुम लोग को नहीं सोचना है। तुम लोग को अगर आउटलाइन ड्रॉ करने का स्किल इम्प्रूव होगा तो तुम किसी भी पेंसिल से अच्छे से परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ कर पाओगे। और हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ यार, तुम लोग को चाहे जितना भी टाइम लगे ना, इस आउटलाइन को जरूर ड्रॉ करो, क्योंकि इस आउटलाइन को ड्रॉ करने से इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स है, जिसकी वजह से तुम लोग का जो आउटलाइन करने का जो स्किल्स होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के बाद। तो इसलिए प्लीज़ इस ड्राइंग को ज़रूर से ड्रॉ करो और परफेक्ट ड्रॉ करो, चाहे जितना भी टाइम लगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से ड्रॉ करो, चाहे जितना टाइम लेता है लेने दो यार, अच्छे से बस ड्रॉ होना चाहिए। परफेक्ट ड्रॉ होने से मतलब इससे तुम लोग का स्किल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ, जैसे जैसे तुम्हारा स्किल इम्प्रूव होते जाएगा, तुम करते जाओगे तो हाँ, समय भी कम होते जाएगा तुम लोग को ड्रॉ करने का, और इसका जो रिजल्ट होगा ना वो मतलब कम टाइम में परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ करने का रिजल्ट होगा। और हाँ, आउटलाइन ड्रॉ करते वक्त पे तुम रेफरेंस फ़ोटो को जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, कौन सा ग्रिड से कौन से लाइन को ड्रॉ किया गया है, ये तुम अच्छे से समझ लिए, तुम काफ़ी ईजिली परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ कर पाओगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तो यार देना तो पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट ड्रॉ करना है, अच्छे से सीखना है, ड्रॉइंग सीखना है, तो यार टाइम तो लगेगा ही। तो आउटलाइन के मैं बारे में मैं और बताऊं तो इसमें ये करना होता है कि तुम लोग को काफ़ी लाइट हैंड से मतलब लाइट प्रेशर का अप्लाई करके तुम लोग को आउटलाइन को ड्रॉ करना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना होता है, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो इसमें जो लाइनिंग होगा इरेज करने के बाद वो आ जाएगा, और जिससे ड्राइंग परफेक्ट मतलब रियलिस्टिक ड्राइंग ड्रॉ तुमसे नहीं हो पाएगी। तो यार अगर तुम लोग केवल आउटलाइन बना रहे हो, वीडियो वगैरह नहीं बना रहे हो, तो लाइट ही प्रेशर का अप्लाई करना और लाइटली आउटलाइन ही ड्रॉ करना। इससे क्या होगा, तुम लोग का जो रेफरेंस फ़ोटो के ऑब्जर्व करके जो तुम्हारा रियलिस्टिक ड्राइंग का जो रिजल्ट होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं एक एक पार्ट को अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब आउटलाइन ही केवल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें बिल्कुल शेडिंग नहीं है, तो तुम लोग काफ़ी ईजिली ड्रॉइंग कर पाओगे मेरे वीडियो को देख करके। तो यार वीडियो को पूरा देखना, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आउटलाइन को अच्छे से ऑब्जर्व करना कि कौन सी ग्रिड से मैं आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। तो यार हाँ, अगर तुम लोग को आउटलाइन ड्रॉ करने में या फिर शेडिंग में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे तुम लोग को ज़रूर आंसर दूंगा। तो यार जो इंस्टाग्राम का आईडी है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर तुम मेरे डायरेक्ट प्रोफाइल पर आ सकते हो इंस्टाग्राम के। तो यार इस पेंसिल का वेट बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये जो मैं मैकेनिकल पेंसिल अभी तक यूज़ कर रहा था ये वाला बहुत ही ज़्यादा वेट है, इसलिए मैं लाइट वेट का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि यार कैमलिन का है। तो यार हाँ, अगर तुम लोग अभी बिगनर्स हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो लाइट वेट का पेंसिल यूज़ करना वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है बिगनर्स के लिए। तो मैं इस पेंसिल का यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि इसको यूज़ करते वक्त काफ़ी प्रीमियम वाला लुक आता है, जो कि यार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यार ये देखो, ये वाला जो पेंसिल मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो सकूरा का है, जो कि काफ़ी परफेक्ट होता है, मतलब बिगनर्स के लिए भी परफेक्ट होता है और अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए भी ये परफेक्ट होता है, जो कि यार मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इससे भी ड्राइंग करते वक्त काफ़ी अच्छा फील होता है, जो कि यार लाइट वेट है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सा लगता है।
तो इसलिए ज़्यादातर मैं काफ़ी हद तक इसी पेंसिल का यूज़ करता हूँ ड्राइंग करने के लिए, सकुरा का है। तो यार वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से ऑब्जर्व करना कि मैं कौन से ग्रिड से कौन से आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। हर हर महादेव। तो यार फाइनली ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है और जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। हाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है इसमें, इस आउटलाइन को ड्रॉ करने में, क्योंकि इसमें डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा थी, बट हाँ जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और इसको देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है।
तो यार आई होप तुम इस वीडियो को देखकर काफ़ी इजीली ड्रॉ कर पाए होगे आउटलाइन को। हाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा यार, बट हाँ अच्छे से तुम लोग ड्रॉ करोगे, टाइम ज़्यादा दोगे तो काफ़ी परफेक्ट ड्रॉ हो पाएगा तुम लोग से, और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होगी इस ड्रॉइंग से। तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक मार देना, और ऐसे ही ड्रॉइंग ट्यूटोरियल्स वीडियो देखने के लिए यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मेरे YT चैनल के मेंबर्स बन जाओ। तो यार मैं शेडिंग वीडियो भी जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।